हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक अनदर डिसिप्लिन ट्रेडर सीरीज। और बहुत सारे लोग ना मेरे से कह रहे थे कि दीपक भैया आपके प्रोफेशन को या आपके पर्सनैलिटी को ये छोटी क्वांटिटी सूट नहीं करती है। मतलब बहुत सारे मेरे को ये बातें सुनने को मिली कि भैया छोटी क्वांटिटी, आपको याद है आज से 5 दिन 4 दिन पहले हम बहुत बड़ी क्वांटिटी डाल रहे थे तो वहां पे मैसेज आते थे भैया बड़ी क्वांटिटी लेके 10,000 क्वांटिटी लेके 5 पॉइंट खाना तो बहुत आसान है, 50,000 बनाना दम है तो बड़ी पॉइंट खा के दिखाओ। तो भाई साहब मेरी बात समझो, आप किस चीज में राजी हो यार, 10,000 क्वांटिटी आप ट्रेड कर नहीं सकती क्योंकि आपको है ही 50,000 रुपए, है ही 20,000 रुपए, है ही 10,000 रुपए। आपको दो लॉट से ही समझ आएगा आपके भले के लिए कर रहा हूँ अपना टाइम वेस्ट, अपना मनी वेस्ट। मनी वेस्ट क्यों, अगर मैं इधर छोटे अकाउंट में ट्रेड कर रहा होता हूँ तो मेरे अकाउंट में मैं ट्रेड ही नहीं कर पाता हूँ, कल मैं 6,000 प्लस में रहा अपने बड़े अकाउंट में, समझ रहे बात को। तो कहीं ना कहीं मेरे को लॉस है लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए ये काम कर रहा हूँ। लेकिन आप भैया दीपक भाई की बात समझोगे ही नहीं। भाई प्लीज फॉलो करो डिसिप्लिन ट्रेडर से, और अगर नहीं चाहिए तो कमेंट कर देना नीचे कि भैया मुझे दो लॉट से नहीं चाहिए, मुझे 100 लॉट से दिखाओ, मैं 100 लॉट वाला भी दिखा दूंगा आपको। चलिए तो अभी यहाँ पे पहले देखते हैं क्या कर रही है ईवा। ईवा यहाँ पे बैठी हुई है। ईवा हाय बोलो, हेलो हेलो करो, हेलो करो, हेलो करो ईवा, हेलो 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 करो, हेलो हेलो नहीं कर रही है, हेलो नहीं कर रही है। और ये यहाँ पे युवान कहाँ जाए, सिट 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 सिट, हेलो करो हेलो। अच्छा तो गाइस यहाँ पे मार्केट खुल चुका है और दिस इज द फर्स्ट कैंडल ऑफ निफ्टी, दिस इज द फर्स्ट कैंडल ऑफ बैंक निफ्टी। वही फर्स्ट कैंडल में ही इतना बड़ा कैंडल है, क्या करेगा कैसे करेगा कुछ नहीं पता। लाइव हम आ चुके हैं, दीपक कुमार वाला हमारा एक और यूट्यूब चैनल है नया, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक कर लीजिए। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने अभी एक ट्रेड कर लिया, क्या किया सर जी, देखो वैसे तो सही बताऊँ मैं ट्रेड नहीं बन रहा है बट छोटे से स्टॉप लॉस के साथ मैंने कर लिया। यहाँ से प्राइस नीचे आया, ये बड़ा कैंडल पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद इस कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ मैंने क्या कर लिया, मैंने कर लिया पुट में ट्रेड। और यहाँ पे आप देखोगे 500 वाला पुट मैंने ट्रेड किया है, 100 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है और बाय हुआ है 235 रुपये पे, 240 पर ट्रेड कर रहा है, देखते हैं। और यहाँ पे फिर निफ्टी में मैं अपने अकाउंट में ट्रेड करने जा रहा हूँ पुट में, ट्रेंड लाइन टूटेगा और मस्त पैसा ही पैसा। तो गाइस यहाँ पे अगर देखें तो 500 रुपये के अराउंड का प्रॉफिट रनिंग है और हमारा जैसा हमने सोचा था एग्जैक्ट वैसा हुआ है। इवन फिन निफ्टी बड़ा प्यारा है, चला है लेकिन ट्रेड इस अकाउंट में नहीं कर पाया। तो मैं बार बार बोलता हूँ भाई अगर मैं इस अकाउंट में ट्रेड करूँ ना सस्ते प्रीमियम्स और छोटे प्रीमियम्स तो बहुत बड़ा पैसा मैं बनाता हूँ। ये कैपिटल पता नहीं कब का मैंने डबल कर दिया होता जो अभी छोटे छोटे करके बढ़ा रहा हूँ, ये सिर्फ आपके लिए और किसी के लिए नहीं, ठीक है। तो देखते हैं क्या करता है। ओके सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 222 रुपये का नुकसान होने लग गया और 600, 700, even 800 तक का प्रॉफिट दिखा था। उसके बाद देखो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल ने मतलब प्रीमियम डी के अच्छा कर दिया, देखते हैं क्योंकि आना चाहिए नीचे थोड़ा, शायद मौका देने जा रहा है फिर से फुट लेने का। गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला कैंडल यहाँ तक गया था तो मुझे 400 का लॉस नहीं दिख रहा था, अभी देखो 400 का लॉस दिखाने लग गया। प्रीमियम डीके हो रहा है क्योंकि कल एक्सपायरी है, थोड़ा सावधानी से करना पड़ेगा या नेक्स्ट एक्सपायरी में नेक्स्ट ट्रेड शिफ्ट कर देंगे, नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे। तो गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ना पूरा फुल ऑन साइडवेज हो गया है, नो डाउट 200 रुपये का लॉस चल रहा है मुझे, बट मैं सोच रहा हूँ यार आज के दिन को ना या तो अवॉइड कर लूँ या थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं और देख लेते हैं, ठीक है। बाकी मैंने छोटा सा ट्रेड अपने पर्सनल वाले में भी किया है और उसमें प्रॉफिट रनिंग है, थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ज़्यादा दिखाऊँ, 10 लॉट ही लिया है मैंने 44 रुपये पे फिर निफ्टी और 53 रुपये चल रहा है तो 2,000-2,500 रुपये रनिंग है। छोटा सा रेडी किया क्योंकि आज ना मन नहीं कर रहा था, मिड में खड़ा है, जब तक ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तक करने का कोई फायदा नहीं है। ओह क्या बात है, देखो ऐसे बढ़ रहा है, 35 हो गया। अरे 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 ये क्या हो रहा है, मार्केट में घटू क्या, क्योंकि एकदम से प्रीमियम डीके कर देगा, मार्केट में काट देता हूँ एक बार। अरे यार पता नहीं क्यों टच नहीं हो रहा है, ले गलत कट गया, देख रहे हो 39 के ऊपर प्रॉफिट में कटा था। चलो कोई नहीं, एक बार व्लॉग वाला रिकॉर्ड कर लेते हैं वीडियो। तो गाइस यहाँ पे अगर देखेंगे हम प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी ट्राई कर रहा है लेकिन अभी भी फर्स्ट कैंडल के बीच में है जो कि एक ऑप्शन सेलर का मार्केट दर्शाता है कि भैया नीचे आएगा सपोर्ट ले लेगा, ऊपर आएगा रेजिस्टेंस ले लेगा। इस कंडीशन में देखो होता क्या है ना, ऑप्शन बायर को पॉइंट्स बड़े मिलते हैं और परसेंटेज बड़े मिलते हैं जिसकी वजह से ऑप्शन बायर को हर समय हर एक सेकेंड में ट्रेड ढूंढना नहीं चाहिए। अगर पूरे महीने में
15 दिन भी अच्छे लग जाते हैं ना, तो भी परसेंटेज के हिसाब से अच्छा पैसा मिल जाता है। लॉसेस को अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, पहले कैंडल के बीच में बाजार है, अभी भी कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलर का मार्केट दर्शा रहा है। और यहाँ पे अगर हमारा प्रॉफिट देखोगे, ये जो हमने थोड़ा सा रिस्क लेके लिया है, ना ही प्लस में जा रहा है ना ही माइनस में जा रहा है, काइंड ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट घूम रहा है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये अपने बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया पे खड़ा है। ये जो आज का डे लो है ना, डे लो के आसपास खड़ा है, 500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। पता नहीं क्यों दिल और दिमाग दोनों कह रहा है कि भाई एक बार बुक कर ले, समझदार बन। लेकिन फिर एक सबकॉन्शियस माइंड का एक कोना कह रहा है, सोच अगर ये लो तोड़ा तो एकदम से यहाँ पर आएगा और आपको ये प्रीमियम जो आपका अभी चल रहा है 250, वो 300 होने में समय नहीं लगाएगा। तो आप बताओ क्या करें किसकी सुने, आप होते तो किसकी सुनते भाई। चलो देखता हूँ मैं। सो गाइस, यहाँ पे आप हमारा प्रॉफिट देख पा रहे हैं। और मैंने क्या बताया था आपको, क्या बोला था मेरे ब्लॉग में, कि भैया ये वाला लेवल टेस्ट होगा, टेस्ट होते ही रॉकेट, और मैंने काट दिया। ये ट्रेड अगर आप देखोगे तो कितने पे बाय हुआ था हमारा, 235 पे बाय हुआ था, 285, 50 पॉइंट हमने खाए हैं और 1500 रुपये का प्रॉफिट है। और आज के डे को हम कर देंगे टंटनाना, नहीं समाप्त नहीं करेंगे, अभी और ट्रेड करेंगे। चलो सो गाइस, मैंने यहाँ पे एक और ट्रेड लिया पुट में, और उसके पीछे का रीज़न क्या है कि ये ना अप्रॉक्स अपने सप्लाई जोन पर पहुंच गया, और ये सप्लाई एरिया है पूरा, ये वाला आप देख रहे हो ना, ये वाला ये पूरा सप्लाई एरिया है। तो एक और ट्रेड लिया, बट इसमें ज़्यादा 150 का लॉस देने लग गया पहले लेते ही। तो 51600 का पुट लिया, थोड़ा सा आईटीएम है, इसमें 1500 का प्रॉफिट है। देखते हैं, ये इसमें ज़्यादा लॉस लेना नहीं है, ये जो वोलेटाइल कैंडल का हाई है, हाई कटेगा तो एग्जिट कर देंगे। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन लगाया हूँ, बहुत अच्छा प्रॉफिट देने लग गया भाई, देख लो कितना प्रॉफिट है। लाइव में भी आज बता दिया व्लॉग वाला ट्रेड, स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, तो अगर हिट भी हो गया तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है भाई साहब। नोट छापने की मशीन बना दूंगा सभी को, यहाँ लाइव में जितने लोग हैं, फटाफट अपने प्रॉफिट लिखो भाई। नोट छापने की मशीन बना दूंगा भाई, नोट छापने की मशीन, देख रहे हो, देख लो प्रॉफिट देखो अब। और अभी तो मैंने अपने वाला दिखाया ही नहीं, वो देखोगे तो आप बेहोश हो जाओगे, इसलिए दिखाऊंगा नहीं, वो दिखाऊंगा तो बेहोश हो जाओगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, फिर निफ्टी मैंने इस अकाउंट में ट्रेड किया, और बैंक निफ्टी मैंने अपने ब्लॉग वाले अकाउंट में ट्रेड किया, दोनों में तगड़ा प्रॉफिट। और यहाँ पे गामा पहलवान, गामा ब्लास्ट हो चुका है, और प्रीमियम्स हमारे 70 रुपये वाले 110 रुपये के आसपास पहुँच गए। देखो यहाँ पे 82 से 100 रुपये भाई ने बुक किया है। ये भाई दबे, थोड़ा मुझे भी देख लो यार, भाई बैक सही है, पैसा कमाने की मशीन बना देंगे आप लोगों को। सो गाइस, क्या बोल रहे हो यार, यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बन रहा है और बुक कर लेना चाहिए किसी किसी का रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये जहाँ से हमने सेल किया, हमने कहाँ से सेल किया, क्या रीज़न था हमारे पास, ये सप्लाई एरिया रीज़न था, वैसे ये डिमांड एरिया के आसपास खड़ा है, तो ये भी बुक करने का भी रीज़न दे रहा है बाजार। क्या करूँ, बुक कर लूँ, लेकिन पॉइंट बहुत छोटे मिल रहे हैं यार, वो फिर शर्म आ रहा है। 280 से 300, मतलब 20 पॉइंट में बुक करना पड़ेगा यार, 2000 का प्रॉफिट तो चल रहा है। चलो 10 मिनट और देख लेते हैं यार, बट वही है ना, 10 मिनट में साला ये ऊपर निकाल देगा और यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा शाम तक, और फिर ये प्रॉफिट भी जीरो हो जाएगा। 2000 का प्रॉफिट है अभी, मिल जाएगा। चलो थोड़ा सा वेट करके फिर काट देता हूँ 10-15 मिनट में। ओके सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, हमने बुक नहीं किया, हम बहुत तगड़े वाले कफ और कमीने हैं भाई, पता होते हुए भी पता था क्या हो रहा है, फिर भी हमने बुक नहीं किया। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो, दिस इज द लॉस, कितने का 170-190 रुपये का। चलो यहाँ से डिमांड एरिया से फिर से नीचे आ जाना चाहिए। सो गाइस, यहाँ पे बैंक निफ्टी देखिए, ये ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है, ये जो बड़ा कैंडल है ना, इस बड़ा कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस हम लोगों ने डिस्कस किया था, अभी हमें सिर्फ 60 रुपये का लॉस चल रहा है। तो नेट में मतलब कि इस वाले ट्रेड में करंट रनिंग है, तो अगर ये ब्रेकआउट कर दिया तो ये मुझे काटना पड़ेगा, नहीं तो अभी मैं और बैठ सकता हूँ। सो मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, दोस्तों, जो स्टॉप लॉस होता है ना, वो एक तरह से आपका लक्ष्मण रेखा होता है, और वो बहुत जरूरी है लाइफ में। यहाँ पे देखो, हम लोगों ने स्टॉप लॉस डिस्कस किया था, ये बिग कैंडल का हाई, और अब देखो अभी भी हमारा स्टॉप लॉस सेफ है और रनिंग इन प्रॉफिट, राइट। तो जरूरी है भाई, स्टॉप लॉस को आप रिस्पेक्ट करोगे तो बाजार आपको रिस्पेक्ट करेगा। सो गाइस, इतना सारा पैसा मेरे पास आ गया, क्या बताऊँ यार, ये देखो
तो आज का ट्रेड हमारा डन हो गया। क्या प्यारा, क्या सुंदर इश्क लग रहा है ना देखने में, लग रहा है जाकर पप्पी कर लूँ इसकी। सो भाई दोनों में हमारा 1500-1500 का प्रॉफिट यहाँ पे भी हमने बुक कर लिया है बैंक निफ्टी, और ये हमारा टारगेट डन हो गया है। तबाही बम बूम बम बम गुड़लू बुझल बुझल बुझल। मेरा पर्सनल अकाउंट में भी छोटा सा प्रॉफिट है, दिखा देता हूँ, ज़्यादा ट्रेड टूट नहीं दिखाऊंगा। बाकी डन हो गया है आज का डे, तो इसी के साथ करेंगे आज के दिन को समाप्त। फिर मिलेंगे चलते चलते, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।